जनता का रिपोर्ट कार्ड लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद तेजी से अब जनता का रिपोर्ट कार्ड सामने आने लगा है। और जिस तरीके से जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, उस तरीके से बीजेपी बहुमत से अधिक सीटें लाकर सरकार बनाती नजर आ रही है। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजेश भाटिया जी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जिस तरीके का जश्न बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहा है, उम्मीद थी? देखिए, बीजेपी ने ये जो चुनाव है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लड़ा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो लीडरशिप है उसमें चुनाव, और अमित शाह जी जो उनका नेतृत्व था, जो उन्होंने प्रदेश स्तर पर इस्तेमाल किया और जिस तरीके से गियर अप किया पूरे ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता को, तो ये अपने आप में एक अद्भुत है और प्रचंड जीत की ओर। जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मैनेजमेंट वो बहुत अद्भुत रहा। अंडरकरंट की बात आ रही थी, वो अंडरकरंट कहीं ना कहीं मोदी का था, ये मानते हैं राजेश जी आप? हाँ बिल्कुल, ये अंडरकरंट मोदी का था। तभी जो बाकी राज्य हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर आप राजस्थान की बात करें, तो वहां पर जिस तरीके से बीजेपी जीती है, और इवन तेलंगाना की बात करें तो वहां से एक से जो आंकड़ा है वो 8 तक पहुंचा उनके विधायकों का। बिल्कुल, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो है शिवराजी ने लाडली बहना योजना लाई थी, लेकिन लाडली बहना योजना अपनी तरफ है, बीजेपी में कहीं ना कहीं मोदी की जो लहर है वो साफ नजर आई है। मोदी है तो संभव है, एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है, लेकिन मोदी के मन में छत्तीसगढ़ भी था, राजस्थान भी था, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मन में मोदी भी थे। भाटिया जी, कांग्रेस में कमी कहाँ रह गई? देखिए, कांग्रेस जो है ये अंडरकरंट को भांप नहीं पाई। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि लाडली बहना ने काम नहीं किया, लाडली बहना ने भी जबरदस्त तरीके से काम किया है। जो वोट डिफरेंस इस तरीके से भाजपा का बड़ा है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि दोनों फैक्टर्स में काम किए हैं, केंद्र का नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, दोनों ने मिलकर ये प्रचंड जीत की और भाजपा का मार्ग प्रशस्त किया है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में अब सीट पर खिलता कमल काबिज हो रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं भाटिया जी, हमारे स्क्रीन पर जो जनता को हम दिखा रहे हैं उसमें अध्यक्ष बीडी शर्मा बेहद प्रसन्न और आत्मनिर्भर नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक है क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको श्रेय इसका जाता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत खुश हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में घोषित नहीं था, ऐसे में क्या लगता है आपको? भैया, मैं आपको बता दूं कि आदिवासी चेहरा जो था फग्गन सिंह कुलस्ते, वो हार चुके हैं, अब वो इस लाइन से बाहर हो चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा भी कहीं ना कहीं इस लाइन में नजर आते हैं, और गोपाल भार्गव ने तो ताल ठोकी थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाने की जो शैली है, मुझे लगता है ये जो फैक्टर है ये उनकी सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी, और कहीं ना कहीं से मोदी की सहमति इसमें, मोदी की जेब से जो पर्ची निकलेगी वो बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, मोदी की जेब से जो पर्ची निकलेगी उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत टेंशन में थे मंत्री नेता, 3 तारीख आए और जनता का रिपोर्ट कार्ड घोषित हो, जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड घोषित किया, और उस घोषित रिपोर्ट कार्ड में मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी जश्न मना रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप हमारे स्क्रीन पर, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ता जो है झूम पड़े हैं, नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी आप नाचते हुए हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं मीडिया सेंटर में जिस दिन से टिकट वितरण शुरू हुआ और मीडिया सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन से लगातार बड़े नेताओं का आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पार्टी लाइन क्या है क्लियर करना, राम मंदिर का मुद्दा भी इसी बीच में आ जाता है, लाडली बहना पे प्रश्न चिन्ह लगता है, उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज कराई है। देखिए शेफाली जी, मैंने पहले भी कहा, भाजपा ने ये जो चुनाव है बहुत ही संगठनात्मक तरीके से लड़ा है। उन्होंने जो उनका जो जमीनी कार्यकर्ता है उसमें एक नई ऊर्जा का संचार किया है और वही ऊर्जा कन्वर्ट होकर सीट के रूप में आई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो भाजपा का कार्यकर्ता नाराज था, जो उसमें एक थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था, वो सारी चीजों को दरकरार करके जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से गियर अप किया है, जो उसमें अश्विनी वैष्णव जी जो उनके यहाँ के प्रभारी भूपेन यादव जी हैं, तो सभी का संयुक्त रूप से जो एक प्रयास है
उसकी परिणति है कि ये जो 150 प्लस भाजपा क्रॉस कर पाई है। बिल्कुल 150 प्लस पे भाजपा जा रही है ना, तो भाटिया जी जुगाड़ करनी है, ना किसी को तोड़ना है, ना किसी को अपने पाले में लाना है, ना गठबंधन की कहानी है, ना रूठना है, ना मनाना है। ठप्पे के साथ जीत कर आए हैं, अब किसी का कोई डर नहीं। ठप्पे के साथ जीत कर आए हैं और अब विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 5 साल सरकार चलेगी, जो भी मंत्री हैं वो अपना काम करेंगे। मुझे लगता है कि जनता को यही स्वीकार है। विधानसभा के अंदर का एक नजारा मुझे नजर आने लगा है, क्या लगता है? इतना सब भगवा और फिर कांग्रेस जो है वो बहुत समेट रही है। देखिए, कांग्रेस के समेटने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ कहना चाहूंगा शिवपाली जी, बहुत सारे दिग्गज हारे भी हैं। अगर आप देखें, जीतू पटवारी हार चुके हैं, कुणाल चौधरी हार चुके हैं, उनके कई दिग्गज नेता हार चुके हैं, सज्जन सिंह वर्मा हार चुके हैं। आपको नहीं लगता कि जीतू पटवारी जैसे जो नेता हैं, उनको ये लगने लगा था कि एक बार राहुल गांधी उनकी बुलेट पे बैठ गए और उनकी नजदीकियां बढ़ गई, उसके बाद वो इतने बड़े कद के नेता हो गए, अब उनको ना जनता की जरूरत है और ना उनको अपने वोटरों की फिक्र है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं जनता से संपर्क तो टूटा ही है, उसी का तो नतीजा है कि चुनाव हारे। बहुत कम समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी और जो सरकार आई थी, भाटिया जी मैं रोकना चाहूंगी, जो सरकार आई थी 15 महीने 18 महीने के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जो सर चढ़ के सत्ता बोली थी उसका जो बदला था वो जनता ने अब निकाला। जनता, देखिए, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है और वो जनता बदला सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के, वो भाजपा के नेताओं से भी बदला लेती है, भाजपा के भी कई दिग्गज हारे, कई दिग्गज हार गए, तो जनता सर्वोपरि है, इसलिए तो जनादेश सर्वोधार्य होता है। बीजेपी दफ्तर से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न का माहौल है, लोग नाच रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश भाटिया जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अभी आप बीजेपी दफ्तर भी होकर आए हैं, आपने कांग्रेस के दफ्तर का भी नजारा देखा होगा, क्या फर्क है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ही जश्न का माहौल है, हर कार्यकर्ता खुश है, उसको लगता है कि मेरी सरकार बन गई है, तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बात नहीं। और जो प्रचंड जीत है उसने उसको और आत्मविश्वास से भर दिया है। इस बीच में आपको एक बात और बताऊं कि बीजेपी दफ्तर, या यूं कहूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, वहीं दूसरे तरफ जो फर्क है कांग्रेस का, मैं आपको बता दूं कि जब कमलनाथ जी यहां प्रदेश में होते हैं, राजधानी में होते हैं, तो रंगीन नजर आता है बीसीसी, और जैसे ही कमलनाथ जी राजधानी छोड़ते हैं वैसे सुनसान विधान क्षेत्र में बदल जाता है पीसीसी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। देखिए शिफाली जी, मैंने वही बात कही कि जो कांग्रेस का जो नेता है उसका जो जनता के साथ कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम है, ये कम होने का कारण ही तो ये आप सीटें देख रहे हैं। मात्र 15-18 महीने की कांग्रेस की सरकार में नेताओं ने, मंत्रियों ने ये बता दिया था कि सत्ता बहुत जल्दी हमारे सर चढ़ जाती है, इसलिए हम पर भरोसा मत करना, और जनता ने कतई भरोसा नहीं किया, यहां तक कि कार्यकर्ताओं ने भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि अगर कार्यकर्ता भरोसा करते तो शायद कम से कम 100 आंकड़ा तो पार करते, लेकिन यहां तो जनता और कार्यकर्ता दोनों ने कांग्रेस को नकार दिया है। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, वरिष्ठ पत्रकार राजेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको जनता के रिपोर्ट कार्ड बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, सबसे पहले नतीजे, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके सर पर ताज होगा, देखते रहिए दखल न्यूज, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।